नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा, राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से करण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करण जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे भारत की वन रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं। भारत की वन रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट की पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें आंकड़ों का काफ़ी जाल है और उस आंकड़ों के जाल से आपको निपटना भी पड़ेगा, लेकिन आपके लिए सहूलियत यही है कि जो मैं आपको टिक करवाऊं, यदि उन आंकड़ों को आप याद कर लोगे तो ये आपका काम चल जाएगा। उसके बाद कुछ स्टेट से संबंधित बात करेंगे और स्टेट से लेकर फिर हम इस वन रिपोर्ट को वर्ल्ड से जोड़ेंगे। दोनों ही लेटेस्ट आंकड़े हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो थोड़ा सा आंकड़ों से जैसे जैसे मैं बताऊं, उनको आप अपने जहन में बिठाते जाएं और बार बार रिवाइज करें। दो साल तक आपको ये आंकड़े काम आएंगे, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है दो वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है और ये भी अपने आप में एक फैक्ट है। तो हेडिंग डाल दीजिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। अब देखिए, ये जो जारी हुई है ये हुई है फरवरी 2020 में, क्लियर। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें, ये जो रिपोर्ट है ये 16वीं रिपोर्ट है, 16 नंबर की होती है, 16वीं रिपोर्ट है ये, फरवरी 2020 में जारी हुई है और ये प्रति दो वर्ष के अंतराल पर होती है, अंतराल पर होती है, क्लियर। अब देखिए, जारी कौन करता है, इसे जारी किया जाता है यदि हम ये कहें मंत्रालय कौन सा है, तो यह है केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आज के लिए मैंने पहले भी कई सीरीज में आपको बताया है कि ये मिनिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। थोड़ा सा हम यदि इसको और अपडेट करें तो आप ये कह सकते हो कि इसमें वर्तमान मंत्री कौन है, तो इसमें जो वर्तमान मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर हैं। ये है। अब ये बात आती है कि इसे तैयार कौन करता है, तैयार कौन करता है, इसे तैयार किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण, इस तरीके से आप कह सकते हो। और ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ये ध्यान रखें, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ये देहरादून में है, देहरादून, ये आप जानते ही हो, उत्तराखंड में है, क्लियर। एक चीज और ध्यान रखें टेक्नोलॉजी के संबंध में, ये जो आंकड़े है अपने, हमने स्पेस टेक्नोलॉजी के तहत रिसोर्स सेट 2 एक उपग्रह है उससे प्राप्त किए गए आंकड़े हैं। इसमें जो आप ऐसे कह दीजिए, इसमें जो हेल्प करता है ये करता है रिसोर्स सेट 2 उपग्रह सैटेलाइट, ये सैटेलाइट इसमें काफी हेल्प करता है, रिसोर्स सेट 2 उपग्रह।
ये है। तो ये तो इससे एक बेसिक बात हो गई हमारी कि कौन जारी करता है, कितने वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है, किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, और हम यदि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करें तो कौन सा उपग्रह हमारे इसमें हेल्प करता है। तो रिसोर्स 2 उपग्रह जो है इसमें वन स्थिति को जानने में हेल्प करता है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ भारत में कुल वन क्षेत्र और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, ट्री कवर्ड एरिया। आइए एक साइड में लिखना कुल वन क्षेत्र, और यहाँ लिखिए वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, ट्री कवर्ड जोन कह दीजिए या ट्री कवर्ड एरिया कह सकते, ये फॉरेस्ट जोन है ये। तो कुल वन क्षेत्र ये है 712 वर्ग किलोमीटर, 712 वर्ग किलोमीटर है, और ये है भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.71%। और इसमें जो वृद्धि दर्ज की गई है ये है 0.65% की वृद्धि, 0.65% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये है 950 वर्ग किलोमीटर, 900, ये 50 है, मैं माफी चाहूंगा, ये आंकड़ों के जाल में थोड़ा सा ध्यान रखें, 950 वर्ग किलोमीटर है ये। और ये जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.89%। है पहले तो हम इसको समझते हैं, इसमें कोई वृद्धि वाली बात नहीं है। अभी देखिए कुल वन क्षेत्र कितना है, ये तो है 712 वर्ग किलोमीटर, आप कह सकते हो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास, ऐसे याद रख सकते हो। और इसके लिए आप कहोगे 95,000 वर्ग किलोमीटर, या आप कह सकते हो 1 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको मोटे तौर पर याद रखो तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसको आप कह दीजिए 1 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास। 21.71, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसको, याद रखें, और इसको आपने वैसे याद रखना है जैसे 7 लाख वर्ग किलोमीटर, और इसको आप कह सकते हो लगभग मोटे तौर पर 1 लाख वर्ग किलोमीटर, या यदि 95,000 याद रहता है तो इससे बेस्ट कोई बात नहीं है। तो 7 और 1 का आंकड़ा है ये, इतना है वृद्धि 0.65, एक ये बड़ा अच्छा आंकड़ा है,
वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, ये 0.65% की। अब देखिए अंतर क्या है, हमने कहा वन क्षेत्र है, हमने कहा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, उसी डिफरेंस की हम बात करने जा रहे हैं। देखिए इसमें जो शामिल होते हैं, इसमें कौन कौन सी शामिल हैं, आइए, तीन शामिल होते हैं इसके अंदर, अति घने वन, अति घने वन, मध्यम घने वन और खुले वन। हालांकि झाड़ियां वगैरह होती है, मैं उस पर चर्चा करने नहीं जा रहा। अति घने वन, मध्यम घने वन और खुले वन, ये जो अति घने वन है इनमें जो वृद्धि दर्ज की गई है 3.02% की, इनमें 9.38% की वृद्धि है और इसमें है 9.26% की वृद्धि है, 9.26% की वृद्धि है। अब देखिए यहां तक जितना मैंने आपके प्रश्न देखे हैं, क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, इसमें आपसे ये पूछ, अब हाँ ये कुल वन क्षेत्र में तो आ गए, ये वन कोई वन है, बहुत घना है, थोड़ा कम घना है, खुला वन है, ठीक है, मतलब छितरा हुआ वन है ये, और ये वृक्ष कौन से होते हैं, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कौन से हो गए, ये वृक्ष आच्छादित क्षेत्र वो होते हैं जैसे मान लीजिए आपके घर के आगे कोई वृक्ष लिखा है, वृक्ष एक है, या मेरे घर के आगे एक वृक्ष है, या आपके पड़ोसी के घर के आगे कोई एक पेड़ लगा हुआ है। अब जो आपके पड़ोसी के घर के आगे पेड़ लगा हुआ है या आपके घर के आगे पेड़ लगा हुआ है, वो कोई वन तो नहीं है ना, भाई वन कैसे हो सकता है, ठीक है, तो वो इसके अंदर है, वो भी इसके अंदर कवर किया गया है, क्लियर, मैं मोटे तौर पर बता रहा हूँ। और ये वन है, इनको ये कहते हैं ये अति घन वन ही वन होंगे, थोड़े से छितरे हुए वन, ज़्यादा छितरे हुए वन, ये खुले वन हो जाते हैं, क्लियर। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो इसको थोड़ा दोबारा रिपीट जो मैं बोल रहा हूँ उसको दोबारा सुनने का प्रयास करना, ये आ जाएगा ये, ठीक है। वन क्षेत्र तो मतलब जंगल है, क्लियर, जैसे हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम जंगल में रहते हैं, क्लियर, तो वन क्षेत्र तो जंगल है, इसको जंगली मानते हैं, लेकिन वृक्ष आच्छादित क्षेत्र वो है जैसे हमारे घर के आगे एक वृक्ष है, जो हमारे घर के आगे वृक्ष है या हमारी कॉलोनी में कोई वृक्ष है तो वो वृक्ष माना जाएगा, उसको हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कॉलोनी में जंगल है या हमारी कॉलोनी में खुले वन है या हमारी कॉलोनी में मध्यम घने वन है, हम ये नहीं कह सकते, समझ रहे हो ना, तो अति घने वन, मध्यम घने वन, खुले वन। अब यहाँ से आपको कैसे अपने क्वेश्चन को टैकल करना है, इसमें मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा है कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक है, तो उसमें अब जैसे इन आंकड़ों के आधार पर देखें तो मध्यम घने वन है, कई बार क्या करता है इसको ये क्रम से व्यवस्थित करवा देता है, तो यदि मैं इसके क्रम को बताऊं तो ये आपका हो जाएगा मध्यम घने वन इज ग्रेटर देन खुले वन इज ग्रेटर देन अति घने वन, तो अति घने वन ये सबसे कम है, भारत में अति घने वन सबसे कम है। अब एक बात और आपको कहना चाहूंगा मैं, देखिए राष्ट्रीय वन नीति है 88 की, राष्ट्रीय वन नीति 88 के तहत भारत के कितने क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए, 33% पर वन होने चाहिए, ये ध्यान रखें, तो यहां पर एक स्टार डाल के लिख दीजिए,
भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये वेल नोन क्वेश्चन होता है, आपसे पूछ लिया जाता है। इसमें एक तो ये आपकी वन नीति इंपॉर्टेंट है, कई बार यही पूछ लेते हैं वन नीति कौन सी है, और एक आपका ये आंकड़ा 33%, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब ये वृक्ष आच्छादित क्षेत्र और ये वन क्षेत्र, ये टोटल कितना है? ये है 807,276 वर्ग किलोमीटर, 807,276 वर्ग किलोमीटर। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इनको सिर्फ प्लस किया है, 807,276 वर्ग किलोमीटर। और ये है भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.56%, 24.56%। आइए, मैंने कहा ना थोड़ा सा आंकड़ों का जाल है, लेकिन नो टेंशन। अब आपने देखो, यदि वन क्षेत्र पूछ ले तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 21.71%। कितने होने चाहिए? 33%। अब देखिए यहां से क्या होता है, एग्जामिनर बड़ी बदमाशी करता है कई बार। बदमाशी क्या करता है, वो आपसे पूछता है कि भारतीय वन नीति 1988 के तहत भारत के कुल क्षेत्रफल पर जितने वन होने चाहिए उसमें वर्तमान रिपोर्ट के आधार पर कितनी कमी है। ठीक है, तो आप देखिए 21.71 है, आप 22 मान लो मोटे तौर पर, ये 33 है, तो कितनी कमी होगी? लगभग 11% की कमी होगी। तो यदि हमारी, हमें वन नीति के द्वारा जो लक्ष्य है, जो एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, यदि हमें उसको पूरा करना है तो हमें 11% वन और चाहिए। समझाई बात सारी? तो इसीलिए मैंने आपको कहा ये दोनों आंकड़े याद रखने हैं। तो यदि आपसे वो कहे कि कितने चाहिए, तो आप बता सकते हो कि मोटे तौर पर 11% चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये वो क्वेश्चन होता है जो फिर हर कोई कर नहीं पाता है इसको, और हालांकि आंकड़े वगैरह सब सामने होते हैं, लेकिन वो एग्जाम टाइम का जो शैतानी काल होता है वो इस तरीके का होता है कि हमारा ध्यान नहीं जाता है उसमें। तो ये ध्यान रखें, जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कर लेना, ये वन रिपोर्ट आपसे हटकर नहीं होगी कभी भी, टेंशन मत रखिए इस चीज़ की। लेकिन आप इसको किस वे से लेते हो ये आप पर डिपेंड करता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको करना है, और आंकड़ों के जाल में नहीं उलझना आप, कहिए। तो एक तो ये आंकड़ा याद रखना है, एक इनमें माइनस पूछ सकता है, कितनी जरूरत है, कितनी कमी है, इस तरीके से। अब यहाँ से वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, ये थोड़े मैंने कमी देखे हैं, लेकिन फिर भी हल्का सा आपको ध्यान रखना चाहिए। एक ये घने वन, अति घने वन, इन पर बहुत ध्यान रखें, यहाँ से आता है। तो 807,276 किलोमीटर, इसमें देखिए कुल क्षेत्रफल का, अब इसमें ये पूछेगा कि भारत में कुल वन क्षेत्र और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितने हैं, तो आप भी इसको मोटे तौर पर याद रख सकते हो, 8 लाख, 8 लाख है, ये 7 लाख है, ये 1 लाख के आसपास है, और ये 8 लाख है, ऐसे याद कीजिए। इसमें जो ये आंकड़ा है ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर? लेकिन ये ध्यान रखें, इस आंकड़े में और इस आंकड़े में कोई कन्फ्यूजिंग ना रखें, वो तो ओनली वन क्षेत्र का है, और ये वन क्षेत्र और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र दोनों का है ये, क्लियर? तो मेरे हिसाब से मैंने समझाने का काफ़ी प्रयास किया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखना है आपने।
अन्यथा ना लें इसको बिल्कुल भी, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात कर रहा हूँ राज्य में वनों की स्थिति, ये आपके फैक्ट टाइप के हैं, ये याद भी रखने हैं आपने। राज्य में वनों की स्थिति, एक तो हम बात करेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल, मतलब सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य, सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं ये हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और छत्तीसगढ़ सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। ये है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ये है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। आइए देखिए, सबसे पहले तो इनका अर्थ समझिए। देखिए पहले इसको निपटा देते हैं, सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य इसका क्या मतलब है? जिसने ग्रोथ ज़्यादा की है। ग्रोथ ज़्यादा करने का मतलब ये होता है, जैसे मैं कहूँ, जैसे केरल ने 2017 में इसका 10 था, मतलब एक आंकड़े ले रहे हैं अपने बताने के लिए, और 2019 में इसका 12 है, तो कितनी वृद्धि हुई? 2 किलोमीटर की, जो भी एक बार ले रहे हैं अपने। और जैसे मैं कहूँ राजस्थान, मान लीजिए इसमें पहले 2 था लेकिन बाद में इसमें 7 हो गया, तब इसमें कितनी वृद्धि होगी? 5 की। अब देखो आंकड़ों के आधार पर देखें तो आप खुद देखिए, इसमें ज़्यादा है लेकिन वृद्धि कितनी है? 2 की। इसमें पहले कम था, एकदम से 7 पर चला, वृद्धि किसने की? ये तो सर्वाधिक वृद्धि वाला कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। क्लियर? ये हालांकि वैसे कम है। इसी तरीके से जैसे हम देखें प्रतिशत वाले राज्य, क्षेत्रफल वाले राज्य, देखिए इसमें तो पूरे देश के क्षेत्रफल के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में जो वन क्षेत्र है उसको देश के वन क्षेत्र के साथ कवर किया जाएगा, देश का जो क्षेत्रफल है उसके साथ राज्य के वन क्षेत्र को
कंपेयर किया जाता है, तो उस आधार पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले निकाल जाते हैं। सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्यों में क्या होता है, जो जैसे मिजोरम है, तो इसकी तुलना मिजोरम के क्षेत्रफल से की जाएगी, ये परसेंटेज हो जाता है। क्लियर? इस मेरी बात दोबारा सुन लीजिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों में जो राज्य होता है, राज्य के अंदर जो वन क्षेत्र होते हैं, उसकी तुलना भारत के क्षेत्रफल से की जाती है, जबकि प्रतिशत वाले राज्यों में राज्य की तुलना उस राज्य के क्षेत्रफल से ही की जाती है। क्लियर? ये प्रतिशत वाले होते हैं, ये आपको अब ध्यान रखने होंगे। जैसे मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। यदि हम एक छोटी सी तुलना करें तो मैक्सिमम यदि हम इंडिया को देखें तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो एरिया है, या ये इस साइड वाला जो एरिया है, पूर्वी वगैरह, ये दक्षिण, इस क्षेत्र में क्या है, वन ज़्यादा है, और जो उत्तर भारत का है उसमें थोड़े कम है। आप ये एक अंदाज़ा लगा सकते हो, ये क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपके सामने मैग्रोव वनस्पति के आंकड़े लेकर आ रहा हूँ, तो पेज के बीच में लिखिए मैग्रोव वनस्पति। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये क्या है। सबसे पहले फिर हम बात करेंगे कितनी है, या हम ऐसे नहीं करेंगे, कुल क्षेत्र कितना है, कुल क्षेत्र कितना है, कुल मैग्रोव कितने हैं, फिर हम रिपोर्ट में बात करेंगे, फिर रिपोर्ट क्या कहती है, ये लेके चलेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या है, देखिए मैग्रोव वनस्पति क्या होती है। मैग्रोव वनस्पति का मतलब ये होता है कि जो लवणीय भूमि होती है उसमें उगने वाली वनस्पति को हम मैग्रोव वनस्पति कहते हैं। हम कई बार पढ़ते हैं लवणोद्भिद पौधे, तो वो एक प्रकार की मैग्रोव वनस्पति है। अब मैग्रोव वनस्पति कहाँ होगी, जहाँ पर समुद्रीय जल होगा उस स्थिति में ये पाई जाएगी, और अन्य क्षेत्रों में पाई जा सकती है, क्योंकि देखो अपने कहते हैं ना, यहाँ पर खारा पानी है, खारा पानी है मतलब लवणीय पानी है। तो बेसिक शब्दों में अर्थ कहें तो आप ये कह सकती हो कि लवणीय भूमि में उगने वाली वनस्पति, तो लवणीय भूमि, साल्टी लैंड बोल सकते हो आप इसको, वनस्पति। अब इसका जो कुल क्षेत्र है ये है 4975 वर्ग किलोमीटर, लमसम 5,000 कह सकते हो आप, और ये है भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.15%। आप ये कह सकते हो कि भारत में 5,000 वर्ग किलोमीटर मैग्रोव वनस्पति है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का
0.15% है, इसमें ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, 5000 वर्ग किलोमीटर ये मान के चलो आप मोटे तौर पर, चल भी जाएगा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ये। और कुल मैग्रोव जो है भारत में, कुल मैग्रोव है हमारे पास 38 कुल मैग्रोव है, जिसे मैं कुछ बातें आपको बताऊं तो जैसे उड़ीसा में 7 है, मतलब 7 मैग्रोव क्षेत्र है ये, उड़ीसा में 7 है, पश्चिम बंगाल में 1 ही है, वेस्ट बंगाल में 1 है, महाराष्ट्र में 10 है। अब इनको ऐसे मत समझना कि ये 10 है तो कोई बहुत बड़े हो गए, छोटे छोटे होते हैं ये। गुजरात में 3 है, आंध्र प्रदेश में 3 है, ये मैंने एक मोटे तौर पर आपको बताए हैं ये, ठीक है। अब नवीनतम रिपोर्ट क्या कहती है हमें, नवीनतम रिपोर्ट क्या कहती है? एक तो सर्वाधिक मैग्रोव कहां है, और एक हमें ये पता लगता है कि न्यूनतम मैग्रोव कहाँ है, सबसे कम और सबसे ज्यादा कहाँ है। ये है पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये है गुजरात महाराष्ट्र उड़ीसा, गुजरात महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये मैग्रोव वनस्पति के संबंध में सर्वाधिक और न्यूनतम बातें हो गई हमारी, ये ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन है ये, और लगभग हर सिलेबस में मैंने ये देखा है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं भारत की जो वन स्थिति की रिपोर्ट है उसको मैं वर्ल्ड लेवल से जोड़ने का प्रयास करता हूं। जैसे एक संस्था है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, इसने क्या कहा है? इसने ये कहा है कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के तहत यह पता चलता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रों में भारत का विश्व में 10वां स्थान है। मतलब हम टॉप 10 में शामिल हो चुके हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक आंकड़ा है आपके सामने कि भारत वन क्षेत्र की दृष्टि से वर्ल्ड में
कितने नंबर पर स्थान रखता है? तो 10वें नंबर पर स्थान, पहले नंबर पर है रूस, दूसरे नंबर पर है ब्राजील और तीसरे नंबर पर है कनाडा। तो आपसे यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में है? रशिया में है सर्वाधिक वन क्षेत्र, और दूसरे नंबर पर है ब्राजील और तीसरे नंबर पर है कनाडा, और भारत का 10वां स्थान है। पहला पॉइंट लिखो। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, त्रिपुरा को छोड़कर अन्य राज्यों के वन क्षेत्रों में कमी दर्ज की गई है। देखिए, पूर्वोत्तर राज्य क्या है? पूर्वोत्तर राज्य सेवन सिस्टर्स हम कई बार पढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। ये इसमें ये कह रहा है कि असम और त्रिपुरा को छोड़कर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके वन क्षेत्रों में कमी दर्ज की गई। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये और बता दूं, ये ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट इतना ही है। क्लियर? मैं बीच में बताना रह गया था मेरा, ये कंप्लीट हो गया। अब ये हम नोट में बात कर रहे हैं, कोई बची कुची बातें तो कोई पॉइंट्स निकल कर आ जाए वो बात कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में असम व त्रिपुरा को छोड़कर अन्य राज्यों के वन क्षेत्रों में कमी दर्ज की गई। कई बार क्या है, ऐसे कथन सत्य है सत्य में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अति घने वन, मध्यम घने वन और खुले वन को डिफाइन कर रहा हूं, भाई होते क्या है ये। पेज के बीच में लिखिए वन क्षेत्र, अति घने वन, मध्यम घने वन और खुले वन। देखिए, अति घने वन क्या है? सत्तर % या इससे अधिक वृक्षावरण, 70% या इससे अधिक वृक्षावरण जो है वो अति घने वन होंगे। चालीस % से अधिक व 70% से कम वृक्षावरण, मतलब वृक्षावरण कह रहा है ये 70% या इससे अधिक, ये 40 से 70 के बीच में, और ये कह रहा है 10% से अधिक व 40% से कम वृक्षावरण। ये खुले वन होंगे। और एक और बता दूं, स्टार डाल के लिख देना, 10% से कम वृक्षावरण झाड़ियां कहलाता है। दस % से कम वृक्षावरण झाड़ियां कहलाता है। और ये जो झाड़ियां हैं इनमें 1.41% की
वृद्धि दर्ज की गई है। ये नॉर्मल बता रहा हूँ, याद रखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। दर्ज की गई 1.41% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये थोड़ी डिफाइन किया है आपको भी 70% या 70% से अधिक वृक्षावरण है तो अति घन आएंगे, और 40 से 70 के बीच में है तो मध्यम घने वन आएंगे, और 10 से 40 के बीच में है तो आपके खुले वन आएंगे, और 10 से कम है तो वो झाड़ियाँ होगी। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने काफ़ी लंबी बात की है और ये ज़रूरी भी थी। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आपकी अभी छुट्टियां चल रही हैं, और छुट्टियां चल रही है इसका सदुपयोग करें, आपको और काम तो है नहीं। और मेरे हिसाब से छुट्टियों का फ़ायदा जो है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके ही करें, क्योंकि होली और दिवाली की यदि मैं बात करूं या किसी भी अन्य त्यौहार की बात करूं, ये आपके लिए तभी बेस्ट होगा, तभी ज़्यादा खुशनुमा होगा जब आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होगा। ऐसा मेरा मानना है, मेरी कोई बात अन्यथा ना लेना कि होली तो मनाएंगे ही, दिवाली तो मनाएंगे ही, तो वो आपकी अपनी सोच है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब हम कंपटीशन लाइन में आते हैं तो कंपटीशन लाइन में हमारा जो त्यौहार होता है वो कंपटीशन ही होता है, हमारा लक्ष्य ही होता है, मेरा ऐसा मानना है। और जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं फिर तो मुझे लगता है कि हर दिन हमारे लिए त्यौहार होता है। क्लियर, मेरी बात समझ गए होंगे आप। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें और नोट करते जाएं। अभी मैं और कुछ क्वेश्चंस लाने की मैं प्रयास करूँगा, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो, लंबी अवधि का वीडियो हो, तो आप इससे परेशान ना हो। ये मैं आपकी छुट्टियों के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आप उसको राइट डाउन करते जाएं, कोई चीज़ अपडेट है तो उसको अपडेट करते जाओ, क्योंकि इस टाइम देखिए मैं भी फ्री होता हूँ तो मुझे भी कुछ नई नई चीज़ें मिलती जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट उसको जाने। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे विदा दीजिए। आप मेरी इस वन स्थिति रिपोर्ट या फॉरेस्ट रिपोर्ट को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बताएं, उन्हें पहुंचाएं, ताकि वो भी इसको भली भांति जान सके। नमस्कार।